गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है गणेश चतुर्थी और एकदम ही अलग तरह के एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे लेने आई हूँ। ये है नव चैतन्य असल मालवणी रेस्टोरेंट, जो अंधेरी वेस्ट में है, डीएन नगर में, और ये वर्सोवा पुलिस स्टेशन है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में है। तो अलग एक्सपीरियंस क्या है कि आज यहाँ पे पंगत का आयोजन किया गया है। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो मालवणी वेजिटेरियन फूड, जो ट्रेडिशनल खाना होता है, पारंपरिक इनके गांव की तरफ जो सर्व किया जाता है, जो बनाया जाता है एक्चुअली यूजुअली, उस खाने का कॉम्बिनेशन आज यहां पे सर्व करने वाले हैं। और सबसे एक्साइटिंग चीज़ बताऊँ आपको क्या है कि केले के पत्ते पे ये खाना सर्व होने वाला है, प्योर वेजिटेरियन फूड। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि पंगत में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। आइए, सो पंगत इज ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्विंग। दिस इज गणेश चतुर्थी टुडे एंड दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट चतुर्थी एट होम इन मालवण। दिस ईयर वी थॉट व्हाई डोंट वी यू नो सर्व सेलिब्रेट इट विद आवर गेस्ट एंड मेड दिस पंगत अवेलेबल, ऑफर्ड दिस टू द गेस्ट। This is a traditional meal served on banana leaf. Exactly the same we celebrated or do it at home. तो केले के पत्ते पे सारा खाना हमें यहाँ पे सर्व कर दिया गया है, जिसको पंगत बोलते हैं ना, तो वो सारी लग चुकी है यहाँ पे और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, सब कोई खाना शुरू कर चुके हैं। तो मैं खाना शुरू करने के पहले आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या क्या सर्व किया गया है। तो ये स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ग्रीन चटनी है और एक आई थिंक खोबरे की चटनी है, नारियल की, अचार है, नमक है, नींबू है, एक मीठी चटनी है ऐसा लग रहा है, एंड ये है कोशिंबीर, यानी कि जो सैलड होता है उसको मराठी में कोशिंबीर बोला जाता है, वो है, सब्जियाँ हैं, स्टार्टर्स है, पापड़ है एंड राइस, सब कुछ है। तो चलिए आपको एक एक करके खा के टेस्ट करके बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देयर इज नीरफणस की भजी, सो नीरफणस इज ब्रेड फ्रूट, अगेन वैरायटी ऑफ जैकफ्रूट, जो मोस्टली कोकण रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टार्टर्स दिए हुए हैं। तो ये है फणसाची भजी, सो फर्स्ट टाइम सुना होगा शायद बहुत सारे लोगों ने हम में से कि जो फणस होता है यानी कि जैकफ्रूट, उसके पकौड़े हैं। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, एकदम यूनिक टेस्ट, फर्स्ट टाइम खाया मैंने ऐसे। और जो चटनी है ना, उसके अंदर ना एक टैंगीनेस आ रहा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। खाली भजिया खाती हूँ बिना चटनी से, वेरी डिफरेंट। सो मालवणी क्यूजिन इज समथिंग, यू नो हम बोलते हैं महाराष्ट्रियन मराठी, बट महाराष्ट्रियन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो दिस वन इज मालवणी। सो नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ ये कोथिंबीर वड़ी, और इसका जो लुक है ना ये काफ़ी डिफरेंट है। इसको गार्निश किया ऊपर खोबरा, लेकिन नारियल, सफ़ेद तिल, और खाने में भी एकदम अलग है। जो ऊपर का जो कवर है एकदम क्रिस्प है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, सो देखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि अंदर से इतनी सॉफ्ट होगी। सो नेक्स्ट इज दिस आयू वड़ी, इसको भी वैसे ही गार्निश किया हुआ है, सफ़ेद तिल, नारियल डाला हुआ है, हरा धनिया डाला हुआ है, और ये थोड़ी सी थिन लग रही है। थिन होने की वजह से ना ऐसे मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हुई है। इसको हम ट्राई करेंगे जो दूसरी चटनी है ना, ऑरेंज कलर की जो दिखाई दे रही है उसके साथ। चटनीज दोनों ही एकदम अमेजिंग है, और जैसे मैंने आपको देखते ही बोला था ना, एकदम क्रिस्प है, थिन होने की वजह से, थोड़ी सी पतली होने की वजह से ना बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। ये बनाई जाती है ना आयू के पत्ते, यानी कि अरबी के पत्ते से, और जहाँ तक मैंने देखा है ना कि जो गणेश फेस्टिवल का, गणेशोत्सव का जो पहला दिन होता है, तो उसमें तो ज़रूर आलू के पत्तों की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पे एक सब्जी भी है उसकी, वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। हियर यू विल सी द मेन्यू वाइज, यू विल सी लॉट ऑफ सीजनल डेलिकसीज इन थाली।
सो अलॉन्ग विथ काळ्या वाटाण्याची उसळ अँड वडे दॅट इज ट्रेडिशनल वी हॅव अळूचं फतफदं अळूची भाजी बिकॉज दॅट सीजनल. एक बात ही इम्पॉर्टंट चीज बोलू, खाना तो केले के पत्ते पे सर्व किया है मगर जो उन्होंने कटोरिया एंड ये ग्लास दिया हुआ है ना, ये सब सिल्वर प्लेटिंग है, सो चांदी की प्लेटिंग वाले बर्तन है, ग्लास भी काफ़ी हैवी है, कटोरियाँ भी, सो और एक यू नो एक पारंपरिक यू नो फील. एक्चुअली यहाँ पे हर जगह पे ना एकदम ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वाली वाइब आ रही है. सॉफ्ट म्यूजिक है, गणपति बापा के आरती भजन सब साथ साथ में चलते जा रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है सब खाने में. सो नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ ना, ये वड़े बोले जाता है इसको महाराष्ट्र में. सो एक्चुअली पूरी की तरह ही होता है बट ये मल्टीग्रेन आटे से बनता है, थोड़ा सा थिक रोल किया हुआ है. और जो सब्जी है सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ये बटाटे की सूखी भाजी यानी कि आलू की सब्जी. एकदम सिंपल सब्जी है, बॉइल्ड आलू की, हल्का सा तड़का है उसमें, आई थिंक राई बहुत हल्की सी, हरे धनिया की खुशबू, हरी मिर्च है इसमें, बट बहुत ही अमेजिंग है. और यही इसकी खास बात है कि इतना सिंपल तरीके से बनाया है फिर भी कितनी डिलीशियस है. सो नेक्स्ट इज दिस करेले की सब्जी, बहुत ही अच्छे से पक गए हैं करेले और हम हाथ लगाते ना टूट रहे हैं. जस्ट लाइक एनी अदर सब्जी यू नो, मैं सबको स्पेसिफिकली अगर कोई बताए नहीं तो देखने से पता नहीं चलेगा, हल्का सा बिटरनेस है जो करेले में एक्चुअली होता ही है बट उसको बनाना भी एक आर्ट है, बिटर होने के बावजूद भी टेस्ट अच्छा होना चाहिए. कोशिश में है यानी कि सैलड वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे. टमाटर है, काकड़ी है, गाजर है. अदर देन दैट देर इज कारल्याची भाजी. सो द कॉन्सेप्ट इज वी सर्व ऑल द टेस्ट, जहाँ पे कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, तीखा होता है, तो सारे टेस्ट मिला के ये पूरी थाली बनती है. और यहाँ पे ना ये कई तरह के पापड़ भी दिए हुए हैं, ये पोहे का पापड़ है, दिस इज अपना रेगुलर उड़द पापड़, साबुदाने का पापड़, कुरडई जो महाराष्ट्र फेमस पापड़ है, कुरडई जैसे बोला जाता है, आमरस के साथ भी इसे खाया जाता है, एंड दिस इज नाचनी का पापड़, और एक ये मिर्ची है फ्राई, इसको स्टफ करके बनाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको सांग्याची मिर्ची शायद बोलते हैं, आई एम रियली नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस मिर्ची को क्या बोलते हैं. तो इसके साथ में अपना खाना एंजॉय करना है. एक सब्जी जो बाकी है ना वो बताती हूँ आपको. सो दिस इज अळूची फतफत, जैसे मैंने आपको बोला था ना अड़ू के पत्तों को इंक्लूड किया जाता है स्पेशली फर्स्ट डे को, तो जहाँ तक मैंने देखा है. और लास्ट ईयर मैं हार्दिक जोशी के घर पे गई थी जो महाराष्ट्र के फेमस एक्टर हैं, पुणे कोल्हापुर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनके घर पे भी जो उन्होंने गणपति को नैवेद्य लगाया था, भोग लगाया था, तो उसमें ये अड़ूचे फतफत थे. और मैंने ना बहुत जगह पे खाया है तो ये ना तो करी टाइप होता है बट यहाँ पे ये मुझे ऐसे ड्राई मिला है, जो लीफी वेजिटेबल्स बनाते हैं ना पालक मेथी उस टाइप का, ये वाला रेसिपी भी अच्छा है. और एक और ये महाराष्ट्र पॉपुलर डिश होती है काया वाटाण्याची उसळ, जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है महाराष्ट्र में. वाओ क्या ही मसाला यूज़ किया है इसमें, इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल है ये सारा खाना. स्पाइस लेवल अगर बात करूँ तो इट इज़ मीडियम स्पाइसी, कुछ भी ऐसे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है. एक नोशन होता है यू नो कि महाराष्ट्र खाना बहुत तीखा होता है, होता है बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन रीजनल डेलिकेसीज. जनरल आपको बोला कोई कोई रीजन में बहुत तीखा खाते हैं, सातारा में, कोल्हापुर में, बट ये जो मालवणी खाना है दिस इज़ मीडियम स्पाइसी एंड ये सिंपल की तरफ ही आता है एक्चुअली, बट मसाला जो है वो डिफरेंट है, बहुत ही फ्लेवरफुल है. वी हैव मैशमेलन चिबुड़ा चिकरण मेड विथ कर्ड, चिबुड इज अगेन मस्क मेलन का एक कैटेगरी, सेम फैमिली में आता है, वी गॉट इट फ्रॉम मालवण. इसके बाद में ना ये शिखरण बोलते हैं इसको, वाओ दिस इज सो सो गुड, केळ्याचे शिखरण सुना रहा मैंने, अच्छा लगता है. इसमें ये मेलन डाला हुआ है इन्होंने, कुछ अलग लग रहा है ये एकदम, नॉट बनाना, मुझे देख के ऐसा लगा था कि केला है बट ये मेलन के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है. इसकी रेसिपी मुझे नहीं पता है
ये भी अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए. दैट्स व्हाई. और मोदक तो है ही, सूजी है यहाँ पे आज हम लोग दे रहे हैं, जो लापसी. हाँ, लेकिन लापसी का जो कंसिस्टेंसी जो सूजी की होती है, अगेन यहाँ पे मुंबई में नहीं मिलती है वो कंसिस्टेंसी की लापसी. यस यस, सो वी हैव गॉट दैट फ्रॉम मालवण पर्टिकुलरली इसके लिए. एंड देन देयर इज दिस खीर, बताया इन्होंने मुझे. वाओ, रंग लापसी, मुझे लगता है गुड़ डाला है इसमें. बहुत ही अमेजिंग स्वाद आ रहा है इसका, एकदम बढ़िया स्वाद है. मीठा न कम है न ज़्यादा है, जस्ट परफेक्ट. बहुत अच्छा लगा मुझे एक्चुअली ये. तो एवरी ईयर वी ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट एज पर सीजन. वी ब्रिंग बैक दोज एक्सपीरियंसेस जो गांव में हम लोग लेते हुए बड़े हुए हैं. तो वी ट्राई टू डिलीवर इट टू आवर गेस्ट्स हियर. श्रावण से पहले बारिश में हम लोग वाडवर थाली सर्व करते हैं, जो मोस्टली नॉनवेज थाली होता है. उसके बाद हम लोग रिवर फिश इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ पे, क्योंकि मॉनसून में फिश कम होते हैं. तो वो ऑन गणेश चतुर्थी वी आर डूइंग पंगत. तो ऐसे एवरी ईयर कुछ ना कुछ सीजन के अकॉर्डिंगली, फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग, जैसे ओकेजन हो वैसे कुछ ना कुछ इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं. एंड देन माई फेवरेट मसाले भात. जो कहीं भी मैं महाराष्ट्र खाना खाने जाती हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में, तो मसाले भात तो मैं ज़रूर ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है. एकदम बढ़िया से इसको सर्व किया है ना, तो वहीं पे एकदम दिल खुश हो जाता है. वो कटोरी के शेप पे जो राउंड शेप आता है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है. वाओ, आप बोलोगे फिर से वाओ, बट इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल है ना, होल स्पाइसेस की खुशबू आ रही है इसमें. रियली रियली गुड. दाल चावल, जिसको मराठी में वरण भात बोला जाता है, उसके ऊपर घी डाला हुआ है. तो दाल काफ़ी प्लेन होती है, वैसे ही यहाँ पे बनाई है. कहीं कहीं जगह पे ऐसे तड़का भी लगाते हैं वरण को, बट ये वाला जो है प्लेन वरण है. घी डालने से सुपर हो गया इसका टेस्ट, बहुत ही अच्छा. और यूजुअली वरण भात जब महाराष्ट्र में खाते हैं ना, ऊपर घी डाला ही जाता है उसमें. सो यू गेट टू सी द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट टेस्ट, द सीजन्स इन योर मेन्यू, एंड देन कलर्स अगेन. तो या, दैट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द सीजन, एंड दैट्स हाउ यू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी. सारी चीज़ें मैंने ट्राई कर ली है. एक सोल कढ़ी भी इन्होंने दी हुई है, वो भी टेस्ट करती हूँ. कम फ्रेश कोकम एंड नारियल के दूध से बनाई जाती है, बहुत अच्छी है. सो दिस इज ऑथेंटिक, यू नो, पारंपरिक महाराष्ट्रीयन खाना जो आज गणेश उत्सव के अवसर पे हमको यहाँ पे खाने मिला. तो गणेश जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय होते हैं, उखड़ी छे मोदक, ये अभी लास्ट में खाने वाली हूँ मैं. सो यहाँ पे ये अंदर स्टफिंग होती है नारियल की एंड गुड़ की, और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं मुझे. तो एक्चुअली मैं इसको लास्ट में ही खाने वाली थी, बट आपको दिखाने के लिए ये पहले खा रही हूँ, ताकि फिर आराम से सारा कुछ एंजॉय कर सकूँ. क्योंकि आज नव चैतन्य रेस्टोरेंट अनलिमिटेड फूड सर्व कर रहे हैं इस पंगत में, गणेश उत्सव के पावन अवसर पे, गणेश चतुर्थी के दिन पे. मैं अपना खाना अच्छे से एंजॉय करके खाऊंगी आराम से. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा. लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए सबसे अच्छा आपको क्या लगा. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाँ एंजॉय करो.